अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको आले नबी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं साबुत मसर की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने 1 किलो दाल ली। ऐसे मैंने 3-4 घंटे भिगो के रख दिया था। इसके लिए मैंने लिया 1 बड़ा प्याज है, और ये थोड़ा सा लहसुन है, ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ा टमाटर है, और ये धनिया। बाकी जो सब कुछ आपको साथ साथ बताते जाएंगे। दाल को पहले मैं बॉयल करने के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद इसका तड़का लगाऊँगी। नाज़रीन, दाल को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। मिलते हैं आपसे दाल के बॉयल होने तक तकरीबन आधा घंटा बाद। दाल हमारी बॉयल हो चुकी होने वाली है। अब इसमें नमक डाल शामिल करेंगे, 1 चम्मच नमक की, बाकी बाद में। इससे दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा नमक। ये देखें नाज़रीन, दाल हमारी अब गल चुकी है। अब इसका तड़का लगाएंगे, मसाले वगैरह तैयार करेंगे, सब कुछ। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है, घी डाल के प्याज इसमें डाला है। अब ये प्याज थोड़ा हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर बाकी मसाले इसमें डालेंगे। नाज़रीन, ये प्याज हमारा हो चुका है, अब इसमें मसाला वगैरह डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये 2 चम्मच मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी, और 1/2 चम्मच बड़ा मिर्च। और टमाटर शामिल करेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। मिलते हैं आपसे टमाटर गलने के बाद। जैसे नाज़रीन, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल को हमने शामिल कर दिया है मसाले में, फिर बाद इसको 1 दो बॉयल आ जाए, फिर इसका तड़का दूसरा लगाएंगे, बघाड़ इसको लगाएंगे। ये देखें नाज़रीन, दाल हमारी अच्छे से हो चुकी है, इसको बॉयल आ चुके हैं, ये तैयार हो चुकी है तकरीबन। अब इसको उतारेंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। ये तड़का हमने रख दिया, अब इसमें लहसुन शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा सुनहरी हो जाएगा, फिर इसको बाकी इसमें साबुत मिर्चें शामिल करेंगे और जीरा भी। ये जीरा, अब इसे दाल में शामिल करें। इसमें रखने के चलें, धनिया शामिल करेंगे इसमें, अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमारी मज़ेदार सी दाल पककर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा।
अल्लाह ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात हो गई एक नई रेसिपी के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।